ये है गिलोय, ये गिलोय आपके घरों के आसपास रहता, बेहिसाब रहता, आप बारिश के दिन भी आ रहे, आपको इतना मिलता इतना मिलता, आप लारियां भर को घर में स्टॉक रख ले सकते, 100,000 आदमियों के लिए होना तो स्टॉक रख ले सकते, साल तक के लिए भी रख ले सकते, ये बेहतरीन रिज़्क़ है ये। और इसका एक ऐसा फायदा बताता हूं मैं इंशाल्लाह, आप लोग शॉक हो जाते, बूढ़ा होने नहीं देता है आपको, ये बुढ़ापे को आने नहीं देता इंशाल्लाह, इतने फायदे हैं इसके अंदर। ये गिलोय गौर से देख लो आप, अपने दिमाग खाली इंटरव्यू देने के वास्ते ऐसे है। यूजुअली मैं इंटरव्यूज नहीं ले रहा हूँ आजकल, बिजी शेड्यूल है बोल के, बट मेरी माँ बहुत दूर से खुशी से बोलने के लिए है कि उनको क्या फायदा हुआ बोल के। रमजान से पहले इलाज करे सो है, रमजान से पहले इलाज करे सो है, दर्दा थे, अर्थराइटिस आ गए थे, पूरे जॉइंटों में दर्द हो के, थायराइड आ के, थायराइड बढ़ के, हार्ट का मसला, ये सारे मसले एक महीने में शिफा हो गए उनको अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको नॉर्मल हो गई, खाली मिलने जाने के वास्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। छाती में दर्द, चक्कर, सो बहुत दर्द आते हैं। अल्लाह का फजल से तुम्हारे पास है, कुछ ऐसे बहुत बेहतर हुआ मुझे, पर रोजे भी मिले रमजान के, अल्लाह का फजल, जब से तबीयत भी बहुत ठीक है, नींद भी आती है, खाना भी खाया जाता है, काम भी करते हैं, बच्चा इनकी डिलोरिया भी करो अल्लाह के फजल से, बहुत अच्छा है। तो मम्मी को जो तवे ले लेती है कभी जरा बोल के, मैंने दवा 2 महीने से खाई क्या, 2 महीने तुम्हारी दवा भी, उनकी दवा दो भी खाओ। अब रमजान से पहले आपको दवा लिया आपको, उसके बाद दवा और शुरू करें क्या? दवा तुम्हारे पास भी ले ली है, कहाँ से ली? जा को आप ले ले एक जग दिए क्या? ठीक है, उसके मैं घर में कंटिन्यू करूँगा। क्या क्या कर रही घर में? घर में अलसी का, अलसी मेथी जूस, इसका तुलसी का जूस, मूली का जूस, सभी जूस सुबह नाश्ता में, जूस दोपहर में खाना। अच्छा, आप पूरे काम वगैरह कर लेते हैं? काम दर्दा वर्दा भी क्या भी नहीं, थकावट भी नहीं, अल्लाह का फजल। डिलीवरियां भी करें क्या? डिलीवरियां भी दो करो। पहले रोजे भी नहीं रखते? रोजे नहीं, 2 साल हो गया रोजे नहीं थे, करो भाई रोजे। पूरे रोजे माशाल्लाह। रोजे के बाद भी कमजोरी नहीं आई? क्या नहीं कमजोरी, माशाल्लाह। देखो घर पे बैठ के कर लिया खुद का इलाज, जो रेमेडीज बोल रहा हूँ, अलसी मेथी ये सब, थायराइड का, थायराइड का पहले क्या था, अब क्या है? थायराइड बहुत होता है, ज्यादा दोबारा होगा, अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया, कैंसर रिपोर्ट था, कैंसर रिपोर्ट क्या है? नो नो कैंसर रिपोर्ट भी माशाल्लाह जो है 5.87 से जो है 2 पॉइंट पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, थायराइड भी नॉर्मल हो गया। अब जो भी पेशेंट्स मोटे हैं और जिनको भी जो है थायराइड है, नोट डाउन कर लियो बोर्ड से, जिनको भी थायराइड है, अर्थराइटिस है, जॉइंटों में दर्दा ही, उन घर पे बैठ के कर लिए तो इंशाल्लाह उनका थायराइड नॉर्मल हो जाता और ज़िंदगी भर इंग्लिश दवाइयाँ छूट जाते। घर पे बैठ के कर लियो, कहीं जाने की नौबत नहीं आती इंशाल्लाह। ये गिलोई वज़बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। जिस तरीके से इंसान दौलत गिनते रहता दिन ब दिन, आज इतना कमाया, कल इतना कमाया, खुशी से, इसी तरह मौत का फरिश्ता भी खुशी से सांसें गिनते रहता करते, कल इतने थे आज इतने हैं, दिन ब दिन कम होते जाती, जिस तरीके से सांसें कम होते जाती इस तरीके से इसकी दौलत बढ़ते जाती। इतनी दौलत कमा को क्या फ़ायदा जब तक सेहत आप बचा के नहीं रखे तो। और ये सेहत सिर्फ अल्लाह की नेमतों में है, जिनको भी थायराइड है, वजन बढ़ रहा, जॉइंटों में दर्दा ही, घर पे बैठ के ये कर लो इंशाल्लाह, जवान रहेंगे 100 साल की उम्र में भी इंशाल्लाह। हाँ 70/5
आलसी भी नहीं थी, आप अम्मी भी बारीक हो गई है। डॉक्टर साहब एकदम रिपोर्ट आई ही माँ तुम नजर लग जाती है तो उनको6-7 किलो और इनका 10 किलो। देखो एक दो महीने में 10 किलो, एक लाइन को 6-7 किलो वजन लॉस हुआ। खाली अलसी में थी, इन्होंने भी वज खाई, उन्होंने भी वज खाई। यानी एक पाउडर बना लियो, 50 ग्राम अलसी, 50 ग्राम मेथी, दो भी भून के पाउडर बना लियो, दो चमचे गिलास पानी में भिगने डालो, सुबह में उठो पका के पियो। थायराइड के पेशेंट, इससे कैल्शियम आता और आपका दिन ब दिन थायराइड नॉर्मल होता। सुबह ही नाश्ता बंद आप लोगों का, थायराइड जिनको भी है सुबह ही उनको तहारी और मंदी होना ना। तो ये चीज आपको छोड़ो, पूछते तहारी मंदी कितने दिन खाए जा, चिकन कितने दिन खाए जा, बड़े का गोश्त कितने दिन खाए जा, ये पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। ये नुस्खे पूछना नहीं है, ये करते जाना जब तक फायदा होता है इंशाल्लाह। जब तक सेहत होना तब तक भी करते रहना। क्या? अलसी मेथी का पाउडर बना के रख लियो, ये नाश्ता है आपका। दो चमचे पाउडर सुबह में उठो पानी में डालो, पकाओ, पका के एक गिलास से पौना गिलास करके छान के पी लो इंशाल्लाह। ये हुआ। धनिया, एक मुट्ठी धनिया, एक 3 या 4 काली मिर्च कुचल के डाल डालो पानी में फेंकने, सुबह में उठो पका के पी लो, ठीक है? एक अलसी मेथी का पानी, दूसरा धनिया का पानी, तीसरा भेंडिया का पानी। माँ सबको वॉमिट हो जा रहा लेकिन ये खाए तो इंशाल्लाह आप नॉनवेज भी खा सकते। अंगले लग रहे तो आप ये खाए तो नॉनवेज भी खाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं खाली नहीं होने का कचरा खाते हो, मैं अच्छा नहीं खाता हूँ, भेंडी का पानी पिया तो खा सकते। हाँ आराम से खा सकते, ठीक है ना? भेंडिया टोपी काट के रात में पानी में भिगने डालो, 3 भेंडिया सुबह में उठो उसे ग्राइंडर करो, ग्राइंडर करके पी लो, ठीक है? ये भेंडिया से भी कैल्शियम बढ़ता, नहीं तो भेंडिया को कैंसिल कर डालो। भेंडिया का बदल मूली का जूस पियो, एक मूली का जूस, दूसरा अलसी और मेथी का जूस, तीसरा धनिया का जूस, चौथा ये गिलोय का जूस। ये आपके घरों के आस पास होना से वत्ता मिलता। अगर ये नहीं मिल रहा तो दुकान में दवा सास में जाके पूछ सकते कौन से। ये क्या भी नहीं, पत्यांकू या डाल्यांकू पानी में भिगने डालना, सुबह में उठना पका के पीना, सिंपल, ठीक है ना? बस ये आपके अंदर जाना सो, ठीक है? तो लेकर जाओ मैं फोन जरा। तो अलसी मेथी का पानी, धनिया का पानी, भिंडी का पानी, यानी तो मूली का पानी, दो में कौन सा तो भी एक लियो, यानी तो भिंडी लियो यानी तो मूली लियो, और ये गिलोय का पानी। ये सुबह में खाली है, लिक्विडिज आइटम लियो आप लोग। ये लिक्विड का आइटम आपके वेट को जबरदस्त लॉस करता, आपके अंदर कैल्शियम को पैदा करता, बैलेंस को सही करता। निकल तो कोने में बैठ जाते, रोमेटोइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, 1 से 4 आर्थराइटिस आके आपको। शुगर के लिए ऑलरेडी मैं बोली हूँ फेसबुक में, ठीक है ना? वो भी आप देखो, मेरा प्रोफाइल ओपन करे तो मिल जाता। मेरे नंबर पे फोन करो, आप लोग फोन करो, आपको गाइड करते, समझाते आपकी बीमारी के रिगार्डिंग जो भी रेमेडीज आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप फॉलो कर लो। तो सुबह में ये जूस आप पीले को आप रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके थायराइड के गोलियां बहुत जल्दी छूट जाते। नहीं थायराइड के गोलियां खाते जाते बोले तो 25 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 200 से फिर 300 करके सीधा खबर का अड्डा देते आपको। जो हाँ समझ रहे हैं आप लोग, हाँ वो भी आसानी से जाते नहीं, खबर को पूरा 200-150 पूरा ख़त्म करके जाते। नहीं तो अपने सेहत का खास ख्याल रखो। बीपी के वास्ते 1 कप दूध में 4 लहसुन के कलियां कुचल को डालो, जिनको थायराइड है उनको बीपी को भी राहत हो। माशाल्लाह पहले खा रहे थे क्या? देखो माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो नहीं आ रहा बोलो जोर से बोलो क्या करे आप? डेढ़ महीना नहीं बरती वो, क्या करे? लहसुन की दूध गोले ना कल्याण हो गए, डेढ़ महीने से गोले, डेढ़ महीने से नहीं
बीपी गोलिया। बीपी के गोलिया पहले खा रहे थे? पहले खा रहे थे, तुम्हें नखो बोले ना। कब से खाए? 4 महीने हो गया। पहले कब से खा रहे थे? पहले 2 महीने पहले से खा रहे थे। भाई छोड़ोगे तो छोड़ दो। छोड़ गए। अब बीपी है कि नहीं? अब नॉर्मल है। क्या कर रही बीपी का बता? वो लहसुन के कल्ला दूध। वेरी गुड। देखो यार रिजल्ट समझ रही, दूध और लहसुन डाल ले बीपी के गोलियों को तलाक दे। नहीं अलसी मेथी ले ले फेरेट के गोलियों को तलाक दे। नहीं ये गोलियां खाते गए तो दिन ब दिन आपकी सेहत बिगड़ते जाती, फिर आप अपने सेहत से हाथ धोते। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें अपनी आदत में लियो, ये तभी असर करेंगे जब आप अल्लाह से मांगेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह से मांगते हुए इन अल्लाह की नामतों का आप जो है इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमेशा फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना किकी बोथा कर रो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 10 तारीख को गुलबर्गा को आ रहा हूँ, सॉरी 10 तारीख को महबूब नगर को आ रहा हूँ, और 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को करनूल। ठीक है, ये थायराइड के पेशेंट्स अब जो 4 जूसा बोलूँ, ये 4 जूसा और दूध में लहसुन भी डाल के पियो, अगर जिनको बीपी है, दर्दा है, खून गाढ़ा है, 1 कप दूध 4 लहसुन के कल्याण कुचल के डालो। गर्मी भी अगर आपका हाजिमा सही नहीं है तो 2 या 3 आपके सेहत के हिसाब से डाल के पकाओ। जिनको शुगर नहीं है उन्हों 1/2 चम्मच शहद डाल सकते, जिनको शुगर है उन्हें बिना शहद के दूध और लहसुन ये 2 चीज़ें ले सकते। ये रेगुलर लेते रहना। नमक बदल देना थायराइड के पेशेंट, कान खोल के सुन लो, नमक बदल डालो, सेम द नमक इस्तेमाल करो। वजन ज़्यादा बढ़ रहा नमक कुछ न खो लियो, समझ में आ रहा? 1 महीना नमक छोड़ डालो अच्छे हो जाते आप इंशाल्लाह। नहीं नमक नहीं सो आपके हल्लक से खाना नहीं उतर रहा बोले तो लो नमक जर्रा नहीं के बराबर, वो भी सेंधा रॉक साल्ट। कहाँ मिलता है, किधर मिलता है, कहाँ गागी चले जाती है ढुकले को? आराम दुकानों में मिलता, पंसारी के दुकान में, जाजे के पास, मेरे पास आपको पूछो ना कोई ये सब चीज़ें मिलती या नहीं मिलती। नमक मिलता है क्या आपके पास जो है? अलसी मेथी क्या, मेथी मिलती क्या? मैं पंसारी का दुकान खोल लेकर नहीं बैठी हूँ इधर। ठीक है, बस आपको सिखा के भेजो। जब आपको ये नुस्खे असर नहीं हो रहे, जब आपको शिफा के बॉटलें भी असर नहीं हो रहे, जब बहुत ख़राब है मसला, इंशाल्लाह अल्लाह वो टाइम मेरा साथ दे रहे माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है, तो वैसे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो रहे। ठीक है, जब ये सारे चीज़ें आप पे असर नहीं करेंगे तो आप आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। फ़ोन नंबर 9900666495 7795 4141398197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी चलो ये पते का नाम है, इसे गिलोय बोलते थे, हर जगह मिलता, और से देख लो मां गिलोय। और कुछ डाउट है क्या किसी तो भी? नहीं नहीं, और जो जो लोग मोटे हैं रात में 1 चम्मच एरंडी का तेल याद से पीना, वेट लॉस होता। हाँ मोटे हैं सच में, थायराइड के पेशेंट्स भी ले तो अच्छा है एरंडी का तेल। लूज मोशन सॉरी बोल को डर को बंद करो ना को, लूज मोशन में तो अच्छी बात है, खजाना निकल रहा पेट का, निकालने दो, रख ले क्या करते है नहीं। अस्सलाम वालेकुम।